गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे ही होंगे। तो बच्चों, इससे पहले हमने शब्द विचार की 6, 7, 8 की शब्द विचार जो हिंदी ग्रामर का टॉपिक है उसके दो पार्ट आपको करवा दिए हैं। आज शब्द विचार का थर्ड पार्ट करवाएंगे, ठीक है बच्चों? यानी कि प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। उससे पहले आप पढ़ चुके हो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, इन शब्दों के बारे में आप पढ़ चुके हो फर्स्ट वीडियो में। सेकंड वीडियो में आपने पढ़ा था गुण, यौगिक और यौगुण के बारे में, ठीक है बच्चों? तो आज इस थर्ड पार्ट में आपको बताएंगे प्रयोग के आधार पर शब्द भेद, यानी कि विकारी और अविकारी। देखो बच्चों, विकारी और अविकारी प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, यानी कि 6th क्लास में भी है, 7th में भी और 8th में भी। देखो विकारी यानी कि विकारी और अविकारी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों ही विकारी और अविकारी। और बच्चों विकारी और अविकारी यानी कि आप 10th तक ये पढ़ोगे, 10th में भी है ये विकारी और अविकारी शब्द, और वेरी इंपॉर्टेंट, दो नंबर के एग्जाम में आने ही आने हैं, ठीक है? तो इसलिए आप विकारी अविकारी दोनों को बहुत अच्छे तरीके से समझ ले। देखो बच्चों, विकारी शब्द क्या होते हैं? विकारी नाम परिवर्तन होना, ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन संज्ञा काल कारक आदि के कारण विकार हो जाए, परिवर्तन हो जाए, ऐसे शब्दों को हम विकारी शब्द कहेंगे, ठीक है? विकारी यानी कि परिवर्तन, विकार होना, नाम से डेफिनेशन क्लियर हो रही है। ऐसे शब्द जिनमें परिवर्तन आ जाए किसके कारण? लिंग वचन काल कारक, इन शब्दों के कारण जिनमें परिवर्तन आ जाए, बदलाव आ जाए, विकारी शब्द कहेंगे, ठीक है? जैसे लड़का खेल रहा है, ठीक है? परिवर्तन कैसे होगा? लड़के खेल रहे हैं, ठीक है? लिंग वचन काल कारक आदि शब्दों से जिन शब्दों में परिवर्तन आ जाए उन्हें हम क्या कहेंगे? विकारी शब्द कहेंगे, ठीक है? विकारी शब्द की परिभाषा क्लियर है आप सभी को, ठीक है? तो विकारी शब्द के भी पार्ट होते हैं, भेद होते हैं। विकारी शब्द के 4 पार्ट होते हैं, आप सभी को पता है विकारी शब्द के कितने पार्ट होते हैं, कितने भेद होते हैं? 4, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण और क्रिया, ठीक है? आप सभी को पता है संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम क्या होते हैं, विशेषण क्या होती है और क्रिया क्या होती है। उसके बाद आता है दूसरा अविकारी, यानी कि इसकी भी डेफिनेशन बच्चों नाम से क्लियर हो जाती है। अविकारी यानी कि जिसमें विकार नहीं होता, विकारी विकार हो जाता है, बदलाव नहीं होता। ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन काल कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि ऐसे शब्द जिनसे काल कारक लिंग वचन से कोई भी परिवर्तन नहीं होता या उनमें विकार नहीं होता, ऐसे शब्दों को क्या कहेंगे? अविकारी शब्द। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये कि विकारी और अविकारी शब्द किसे कहते हैं, या देखते। तो प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद आपको पता चल गया।
हम सब का अलग और सुखी सब मिलान का अलग, ठीक है, अलग अलग उस चैप्टर में होंगे, लेकिन फिर भी मैं आज इस पार्ट के माध्यम से आपको थोड़ा सा इनमें समझाऊंगी कि ये शब्द होते क्या है, ठीक है। एकार्थक शब्द क्या होते हैं, जिनका एक ही अर्थ निकले, ऐसे शब्द जिनका एक ही अर्थ निकले उन्हें एकार्थक शब्द कहते हैं। अनेकार्थक इसका उल्टा है, एकार्थक शब्द जिन शब्दों के एक ही अर्थ निकले एकार्थक शब्द, और अनेकार्थक शब्द जिन शब्दों के अनेक अर्थ निकले। जैसे कोई एक शब्द है और उसके अर्थ क्या निकले, अनेक निकले। जैसे अर्थ है, अर्थ शब्द है, जैसे क्या शब्द है अर्थ, और अर्थ शब्द है और इसके अनेक अर्थ निकले तो क्या हो जाएगा, अनेकार्थक शब्द हो जाएंगे। जैसे अर्थ का मतलब क्या होता है, धन भी होता है, अर्थ का मतलब मतलब भी होता है, और अर्थ का अर्थ प्रयोजन भी होता है और मामला भी होता है, ठीक है। तो अनेक अर्थ निकल गए ना एक शब्द के, अर्थ के, अर्थ के अनेक शब्द, यानी कि अर्थ का जैसे तुम कहते हैं इसका क्या अर्थ है, यानी कि मायना, मायना ठीक है, इस तरह से जो कभी ना मरे अमर, तो इस तरह से ये
सुंदरता।